अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आप देख रहे हैं सफ़िया विलेज व्लॉग। तो व्यूअर जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर वीडियो बआसानी तक आप तक पहुँच सके। और काफ़ी लोग हैं जो बेल को प्रेस नहीं करते, प्लीज़ बेल को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को जो होता है वो फुल वॉच किया करें। कुछ लोग हैं जो फुल वॉच नहीं करते तो मेरी गुजारिश है उनसे कि प्लीज़ वीडियोस को फुल वॉच किया करें। तो आज जो हमने रेसिपी बनाई है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं रेसिपी की तरफ, तो आपको दिखाते हैं और आपने बताना ज़रूर कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स देखें, ये आज हम बना रहे हैं मटन का सालन, तो मैंने सोचा ये आपको रेसिपी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो ये मटन जो है अभी हमने धो के पतीली में डाल दी है और इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर लिए हैं। तो अभी हम लोग चूल्हा ऑन करने लगे हैं। तो देखें ये चूल्हा ऑन कर लिया हमने और अभी हम लोग जो है इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। साथ साथ देखते जाइएगा आप भी। तो आप लोगों ने भी अपनी रेसिपी जो है जो बनाएंगे मुझे हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इसको रख देंगे और इसके बाद हम टमाटर काटने लगे हैं अभी। तो देखें हम टमाटर जो होते हैं ना वो छील के हम डाल रहे हैं इसमें, टमाटर थोड़ा सख्त वाले हैं तो इस वजह से। तो देखें हम टमाटर काट रहे हैं साथ साथ। तो देखें थोड़ा सा हम लोग इसमें जो है गरम मसाला भी ऐड कर लिया साबुत। तो अभी टमाटर भी देखें साथ साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो मटन टाइम लगाता है बनने में, तो चीज़ें जो जो ऐड कर रहे हैं वो भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, मसाले वगैरह। तो देखें ये मिर्ची हम लोग डाल रहे हैं लाल वाली और देखें नमक ऐड कर रहे हैं हम साथ साथ। मसाले सारे हमने ऐड कर लिए हैं इसमें और अभी हम लोग जो है इस पर ढाँप के हम लोग इसको रख देंगे पकने के लिए। तो ये टाइम लगाते हैं मटन पकने में। तो व्यूअर्स हमने प्याज काट लिए थे लेकिन प्याज डालना मैं भूल गई थी, तो अभी हम लोग प्याज भी साथ साथ ऐड कर लेंगे इसमें। प्याज काट लिए थे लेकिन वो साइड पर पड़े हुए थे, इस वजह से मुझे भूल गई थी डालना। तो अभी हम लोग ढाँप देंगे और इसको पकाते रहेंगे, मैक्सिमम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो उसके बाद जो फाइनली लुक होगा सालन का हम वो ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों के साथ। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स देखें ये पानी हमारा थोड़ा सा रह चुका है, अभी हम लोग ऑयल इसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसको जो है भूनेंगे, थोड़ा सा पानी रहता है वैसे भी इसमें और अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। तो व्यूअर्स देख सकते हैं ये हमने मटन को भून लिया है। अभी मैं हल्का सा पानी डालेंगे इसमें शोरबे के लिए और जितना शोरबा रखना होता है बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल दिया करें। मटन सही से गल चुके हैं हमारा। तो देखें ये हमने शोरबे के लिए पानी डाल दिया इसमें, अभी थोड़ी देर पकाएंगे इसको और उसके बाद जो है फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप हमारा सालन हो चुका है रेडी। तो हमने 3-4 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर ली थी, अभी हम लोग गरम मसाला ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ। तो देखें ये हम लोग गरम मसाला डाल रहे हैं इसमें। तो हमारा सालन रेडी हो चुका है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हमारा सालन कैसा लगा आप लोगों को। तो व्यूअर्स रेसिपी आपने हमारी देख ली होगी, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अभी इसी अच्छी सी वीडियो के साथ चाहते हैं इजाज़त। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।